भाभी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं इतनी खुश हूँ बता ही नहीं सकती। चलो अल्लाह ताला ने हम पे भी अपना करम किया। इसको क्या हुआ, ये क्यों रो रही है? अम्मी जी मैं क्या करूँ, मुसलसल अस्पताल में भी रो रही थी। मैं कितनी देर चुप कराने की कोशिश करता रहा, चुप ही नहीं कर रही है। उसका रंग इतना पीला क्यों हो गया है, डॉक्टर ने क्या कहा है? कुछ नहीं, डॉक्टर ने कहा है हल्की फुल्की वीकनेस हुई है, खाने पीने का ख्याल रखेगी और खास तौर पे अपनी नींद पूरी करेगी तो ठीक हो जाएगी। अच्छा तो मैं फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अपनी बहू का ख्याल मैं खुद रखूंगी, बहुत अच्छे तरीके से रखूंगी। देखो तो सही कैसी पीली पड़ गई, तो अच्छा हुआ डॉक्टर ने ड्रिप लगा दी। ये लड़की तो अपना ख्याल ही नहीं रखती बिल्कुल भी। अच्छा चलो अब बेटा जाओ, तुम जरा भाभी को कमरे में लेके जाओ। जाओ बेटा तुम आराम कर। ध्यान से, ध्यान से। हारून बेटा क्या बात है, खुश होने के बजाय रो क्यों रही है? कुछ नहीं हुआ, वीकनेस हुई हुई है ना, आज आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। सुने आप ये मेडिसिन्स प्लीज अपने पास रखिए, ये बिल्कुल टाइम से देनी है इसको, क्योंकि मैं तो ऑफिस हूँगा, आपने जिम्मेदारी लेनी है। फिक्र रहो, चलो मैं ख्याल रखूंगी उसका। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माफी और निदामत के किसी भी अल्फाज से मेरे दुखों का मतावा हो जाएगा? जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके लिए मैं तो क्या, खुदा भी कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा सुल्तान दुरानी, कभी नहीं। बहुत मुश्किलों से मुझे नई जिंदगी मिली, हारून जैसा शौहर मिला। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ हारून, उसको मुझसे छीनने की कोशिश मत करना, मुझे मेरी जिंदगी में खुश रहने दो, प्लीज चले जाओ यहाँ। प्लीज मुझे बताओ कि मैं क्या करूं ऐसा कि तुम्हें मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं इस रूम से आज नहीं जाऊंगा, जिसे आना है वो आ जाए, लेकिन मैं अपनी गलतियों का अजाला चाहता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। यार प्लीज कम से कम ये अंडा तो फिनिश करना पड़ेगा आपको, प्लीज ये लो खाओ, शाबाश, थैंक यू। ये लो भाई। बस हारून मुझे नहीं खाना। सुनो अब ये नखरे वखरे बिल्कुल नहीं चलेंगे, पहले की बात और थी, अब तुम माँ बनने वाली हो, अच्छे से करके नाश्ता करो और फिर दूध भी पियो। वाकई मेरा दिल नहीं चाह रहा, तबीयत अजीब सी हो रही है, प्लीज। भाई आज जब तक तुम ये ऑमलेट खत्म नहीं करोगी ना, ना मैं यहाँ से उठ रहा हूँ ना तुम्हें कहीं जाने दे रहा हूँ, ये लो। भाभी की बीमारी में तो हम कल के फंक्शन में बात करना भूल ही गए। कल का फंक्शन कैसा था? कल का फंक्शन बहुत अच्छा था, बहुत ग्रैंड इवेंट था, लेकिन तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए हम एंजॉय ही नहीं कर सके, जल्दी भी आना पड़ गया, तो क्या बताएं उसके बारे में। लेकिन एक बात है, हाँ सबसे ज्यादा हसीन तुम्हारी भाभी ही थी, और उसके अलावा वहाँ पे बहुत कुछ हुआ, सुल्तान साहब ने मेरी बहुत तारीफ भी की। और एक मिनट मैं देखूं। नगीन, नगीन क्या हुआ कुछ बताओ तो सही। नगीन क्या हुआ, क्या हुआ है? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, एक काम करते हैं मैं तुम्हें डॉक्टर के लेके चलता हूँ, चलो आप। अरे आप ही तो हॉस्पिटल से लेके आए हो हारून, क्या दोबारा से हॉस्पिटल लेके जाओगे? अम्मी उसको बहुत तेज बुखार हो रहा है ना। अरे कुछ नहीं हुआ,
प्रेगनेंसी में ये सब होता है और बर्दाश्त भी करना पड़ता है। लेकिन हर औरत तुम्हारी बीवी की तरह इतनी जिद्दी नहीं होती और ना ही हर मर्द तुम्हारी तरह इतना हसास कि बीवी को जरा सा कुछ हुआ नहीं और लग के बैठ गए। चलो जाओ तुम अपने काम पे, हम लोग हैं इसका ख्याल रखेंगे। लेकिन इस हालत में मैं छोड़कर ऑफिस कैसे जा सकता? ओफो, तो क्या अब तुम 9 महीने तक इसकी तिमारदारियों में लगे रहोगे? नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा। लेकिन बेटा मेरी बात सुनो, ये प्रेगनेंसी में मतली बुखार आम सी बात है और सबको होता है, ये निराली नहीं है। अब इसकी तिमारदारियों के चक्कर में ना अपनी नई नई जॉब से हाथ ना दो बैठना। तुम शाबाश काम पे जाओ और हम इसे देख लेंगे, संभाल लेंगे। अच्छा चलें ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन अगर खुदा ना खासा तबीयत ज्यादा खराब हो तो मुझे कॉल कर दीजिए। ठीक है, जाओ, मैं रेडी हो जाऊँ। सुनो, ये नखरे किस खुशी में दिखा रही हो तुम? कोई दुनिया की निराली औरत तो नहीं हो जो माँ बनने जा रही हो? हमने नहीं बच्चे पैदा किए दो? हमने तो ऐसे नखरे नहीं दिखाए, ना अपने शोहर को ना अपनी सास को। दूध लेके आ रही हूँ, अभी के अभी पीना है तुमने और दवा भी खानी है साथ, ठीक है? कोई नखरे नहीं चलेंगे।